हेलो एवरीवन, हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर कूलाम का नियम पढ़ रहे हैं, जिसके दो वीडियो हम लोग देख चुके हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। दोनों वीडियो में आपको बताया गया है कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के नियम की शर्तें क्या हैं। इसके बाद बताया गया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कैपिटल ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो, और तीव्रता के बारे में बताया गया था। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दो आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता क्या होती है, दो से अधिक आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता क्या होती है, ये सब आंकड़े प्रश्नों से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत बल रेखाएँ। वैद्युत बल रेखाएँ किसे कहते हैं, इसकी चार प्रॉपर्टीज़ को हमने सफलतापूर्वक अध्ययन किया है। इसके बाद पढ़ा था पार्ट फोर वीडियो में, पार्ट टू वीडियो में कि वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना था। एक ऐसा निकाय जिसके सिरों पर बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके बाद था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश स्मॉल क्यू और उनके बीच के अल्प दूरी 2L के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वीडियो से आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। और अब हम पार्ट थ्री वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं, और अब इस वीडियो के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरच्छी स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति होती क्या है। देखिए, इतना समझने का प्रयास करिए, जैसे मैंने कहा ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो अच्छी स्थिति है वो क्या होती है, बहुत सिंपल तरीके से समझ लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु अच्छी स्थिति में कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको मैंने रेखा मिला दी, इसके बाद आप क्या करिए, चले जाइए आगे 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 पीछे चले जाइए, इसके सारे जो पॉइंट मैंने बनाए हैं सब के सब अच्छी स्थिति के बिंदु हैं। तो यही सारे क्या है, अच्छे बिंदु हैं। हम दूरी उस बिंदु की कहाँ से काउंट करेंगे, ना तो माइनस क्यू से और ना प्लस क्यू से, अर्थात उसके मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से उसकी दूरी हमें काउंट करनी होगी कि वो दूरी कितनी है, ठीक है। ये तो हो गया था आप तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, मतलब एक्सियल पोजीशन, यानी एंड ऑन पोजीशन कहते हैं इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति, बहुत आसान समझना है इसको। अब क्या करना है, वही वैद्युत द्विध्रुव फिर आ गया, इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज। अब क्या होगा, निरक्षी स्थिति क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली, ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु से जाने वाली और इस अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, समझिए। जैसे मैंने कहा वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ही रहा, मध्य बिंदु से जाने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ये सारे के सारे जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट निरक्षी स्थिति के होंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम कहें साहब ये पॉइंट, ये भी तो अच्छे लंबत है, लेकिन अच्छे लंबत है, लेकिन ये निरक्षी स्थिति बिंदु नहीं हो सकते। कारण क्या है, क्योंकि ये बिंदु ये मध्य बिंदु से होकर के नहीं जा रहे। तो कहने का मतलब हो गया, सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट होगा जो मध्य बिंदु से जाने वाली, मध्य जाने वाली और अच्छे लंबत रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरक्षी स्थिति में कहलाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से आपने समझ लिया होगा कि अच्छी स्थिति क्या होती है और निरक्षी स्थिति क्या होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में एक्स दूरी पर तीव्रता का व्यंजक, यहाँ आप स्मॉल आर दूरी पर तीव्रता से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए समझिए, ये है वैद्युत द्विध्रुव, चित्र ही मेन समझना है, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू चार्ज। तो वैद्युत द्विध्रुव से अच्छी स्थिति में एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर पॉइंट क्या है, सी, और इस दूरी में पहले बता चुका हूँ कहाँ से काउंट करना है, मिड पॉइंट से, ये इसका मध्य बिंदु है,
मध्य बिंदु से x दूरी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है x दूरी पर। समझ आया पूरा? ठीक, तो दूरी कहाँ से होगी? मध्य बिंदु से होगी। अब हमें केवल दो बातें समझनी होगी, एक तो प्लस क्यू आवेश से C तक की दूरी क्या है वो समझना है, और एक माइनस क्यू आवेश से C तक की दूरी क्या है। तो देखो प्लस क्यू से समझिए, मैंने कहा यहाँ तक दूरी कितनी है, x है, और ये दूरी, और ये मध्य बिंदु से और B तक दूरी कितनी है, L। समझना बेटा, ये दूरी ये कितनी है, L। कारण क्या है, AB दूरी कितनी है, 2L, तो हाफ क्या हो जाएगी, L। अब समझिए, ये पूरी X है, ये L है, तो B से C तक की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, X माइनस L। B से C तक की दूरी, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझिए, B से C तक की दूरी, देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, L, ओके, क्योंकि मध्य बिंदु है, पूरी दूरी है, पूरी 2L है, और ये दूरी x है, तो ये x है, ये l है, तो ये दूरी बची ना b से c तक की, ये क्या हो जाएगी, x माइनस l। इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है, x माइनस l कैसे निकल गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एक माइनस q आवेश से दूरी समझना कि साहब माइनस q से c तक की दूरी कितनी है। जब मैं पहले कह चुका हूँ यहाँ से दूरी कितनी है, x, और इधर वाली क्या बची है, l, तो ये कुल दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस l। इसका मतलब हम समझ चुके हैं, माइनस q आवेश से c तक की दूरी x प्लस l है, और प्लस q आवेश से c तक की दूरी x माइनस l है। ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इसके बाद इस डेरिवेशन में कुछ नहीं रहा, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, जो यहाँ मैंने जो लिखा है, माना ए बी द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक के, यानी द्विध्रुव रखा जिस मीडियम में, उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, माना हमने के मान लिया। चूंकि द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में एक्स दूरी पर कोई बिंदु सी है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु सी पर तीव्रता ज्ञात करनी, तो दोनों आवेशों से सी पर तीव्रताएँ निकालनी अलग अलग, फिर उनका परिणाम ही निकालना है। तो देखिए भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश दिख रहा, प्लस क्यू आवेश के कारण सी पर तीव्रता ई वन, वही पुराना फार्मूला जैसे हम पार्ट वन और पार्ट टू में पढ़ चुके हैं। अगर मैंने कहा आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर तीव्रता क्या पड़ी थी, 1/4πε0Q/r2। अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या, 1/4πε0Q/x-l2। दिशा क्या होगी, प्लस से दूर, यानी कि बी से सी दिशा में। आप यहाँ देख सकते हैं, अब जो तीव्रता दिशा है वो किधर होगी, प्लस क्यू के कारण इधर B से C दिशा में, ये प्लस से दूर होगा, और माइनस के आकार माइनस की ओर होगा। अभी आप समझेंगे, तो देखिए साहब, प्लस Q के कारण निकाल लिया, और अब क्या है, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता क्या हो, सब कुछ वही 1/4πε0Q/x+l2 C से A दिशा में, ठीक। चूंकि अब हम देख रहे हैं दोनों तीव्रता जस्ट अपोजिट है, एक B से C की तरफ है, एक C से A की तरफ है, E1 और E2 दोनों चित्र में आप देखेंगे अपोजिट हैं। इसका मतलब परिणामी तीव्रता उनके अंतर के बराबर होगी। आप लोगों ने पढ़ा था दो आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता, चूंकि यहाँ पे E1 बड़ा E2 फिर, अब अगर हम गौर से देखें E1 E2 में बड़ा कौन है, इसको देखें और इसको देखें आप, फिर बता दें, एक ये और एक ये, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, क्यू 1/4πε0Q समान है, बस अंतर है तो क्या, x माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए, किसी भी भिन्न में जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, क्योंकि E1 वाली जो भिन्न आप देख रहे हैं वाली भिन्न, इसमें x माइनस एल का होल स्क्वायर छोटा है, और दूसरा E2 देख रहे हैं इसमें x प्लस एल स्क्वायर बड़ा है, यानी E1 का हर छोटा है, E2 का हर बड़ा है, इसलिए E1 बड़ा है किससे, E2 से। जब हमें पता ही लग चुका है कि E1 E2 से बड़ा है, तो परिणामी तीव्रता क्या हुई, E1 माइनस E2। अब आप यहां देख सकते हैं, E बराबर E1 माइनस E2, E1 का मान रखा, E2 का मान रखा, कॉमन आ जाएगा Q/4πε0 के, अब यह जितना रह गया है, अब यहां पे LCM ले लिया, x माइनस l का होल स्क्वायर, x प्लस l का होल स्क्वायर, x माइनस l कट गया तो x प्लस l का होल स्क्वायर, यहां पर x माइनस l का होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखें, अब सिर्फ मैथमेटिकल रह गया है, नीचे जो हमारा जो पोर्शन जे वाला है, इसको आप मैं डिटेल समझा दूं अलग से, x माइनस एल का होल स्क्वायर है, इसे आप लिख सकते हैं x माइनस एल इंटू x माइनस एल, ये आप रफली लिख सकते हैं ताकि ईजी हो जाए,
और दूसरा x प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू में ही x प्लस एल इनटू x प्लस एल। अब आ जाओ कक्षा नौ में, x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दूसरा x माइनस एल एक्स प्लस एल क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए, एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा ये कैसे हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़े तो क्या देखेंगे, एक सेकेंड, अब देखिए भैया एक्स स्क्वायर कट गया इससे, एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस कट गया, टू एक्स एल, टू एक्स एल कितना हो गया ये फोर एक्स एल हो गया। सारे स्टेप में क्लियर कर रहा हूँ, नीचे भाई उतार दिया है। अब इसको रीअरेंज करना है, इस वाले फंक्शन को रीअरेंज। तो कैसे, क्यू लिखा हुआ है, हाँ साहब चार को लिख लिया हमने टू एल, फोर एक्स एल था तो उसको टू एल लिख लिया, फिर टू एक्स बच गया। अगर हम ऐसे गौर से देखें फोर एक्स एल है, फोर एक्स एल लिख सकते हैं 2L इंटू टू एक्स, एक ही बात है, तो हमने वही लिख दिया 2L इंटू टू एक्स। ओके, तो इसी जी अरेंज किया है, इससे क्यों किया गया उसकी वजह बता रहा हूँ कि उससे क्या हुआ Q इंटू टू एल, ये क्या होता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और 2X हो गया, तो Q इंटू टू एक्स स्थान पर हम लिख देंगे P। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से E बराबर हो गया, इसके स्थान पर P आ गया 2PX बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई कहाँ पर, अच्छी स्थिति में। अब हमने कंडीशन दी है, हम पहले जान चुके हैं कि 2L बहुत अल्प दूरी होती है, तो उसका हाफ और अल्प दूरी होगी, L इज वेरी वेरी लेस देन X। जब L इज वेरी लेस X तो L स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन एक्स स्क्वायर। एल स्क्वायर का मान इस एक्स स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम है, तो इस एल स्क्वायर को इसमें से हटना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में जहां एल स्क्वायर लिखा उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो केवल नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स पावर 2 है ना, पावर एक्स पावर 4 हो जाएगा, एक एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर एक्स 4 के स्थान पर कितना आएगा 3। इस प्रकार से फाइनल डेरिवेशन हो गया E बराबर 1/4π/2πx³। अब जो हमने तीव्रता परिणामी ज्ञात कर ली है इसकी दिशा क्या होगी, दिशा होगी अक्ष के अनुदिश। जैसे आप देखिए E1 बड़ा था, पहले हम बता दें आपको E1 इज ग्रेटर देन E2, तो परिणामी तीव्रता की दिशा क्या होगी जो E1 की दिशा है। अब आप चित्र में देखें E1 किधर है, देखिए साहब चित्र में दिखाता हूँ E1 किधर है, यहाँ पर देखिए E1 आपका है, E1 किधर है, इधर। ठीक, तो परिणामी तीव्रता किधर होगी, अक्ष के अनुदिश, ये अक्ष ध्यान रखना, ये अक्ष है, ये अक्ष की दिशा में माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओ। ये आपको लिखना होगा कि अच्छी स्थिति में जो परिणामी तीव्रता होती है वो अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो मैं समझता हूँ ये बात सबके समझ में आ चुकी होगी, तो हमने इसको लिख दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर निकल आया, इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इस प्रकार से द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता का डेरिवेशन आप सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब इसका भी दूसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में यानी कि ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में तीव्रता ज्ञात करनी, इक्विटोरियल पोजिशन में तीव्रता ज्ञात करनी, कहाँ पर एक्स दूरी पर। बच्चों आप लोग x दूरी पर जब पूरा प्रैक्टिस कर लें, जब अच्छी तरह समझ में आ जाए तो स्मॉल r दूरी मान के करिएगा, जिससे आप लोग और कॉन्फिडेंट हो जाए। देखिए साहब अब हम इसको चित्र को समझते हैं, चित्र को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसकी चित्र बना अच्छी तरह बनाइएगा। ये रहा द्विध्रुव, ठीक, माइनस क्यू, ए भी द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब पहले बता चुके हैं निरक्षीय स्थिति क्या होती है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से जाने वाली अक्ष के लंबवत रेखा पर, ये बिंदु P है, इस पॉइंट P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, दूरी कितनी है x, दूरियां सब हम काउंट काउंट करते हैं मध्य बिंदु से काउंट करते हैं, x दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी। देखो प्लस q के कारण तीव्रता क्या होगी, प्लस से दूर E1, माइनस की ओर तो E2 इधर हो गया, एरो लग रहा है बाकायदा पूरा, तो E1 E2 का परिणामी हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे तीव्रता के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो आवेश चाहिए और इस आवेश से यहाँ तक की दूरी चाहिए, एक दूसरा आवेश चाहिए यहाँ तक की दूरी चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए साहब फिर जब वेट करता हूँ,
कि प्लस क्यू, ये दूरी कितनी एल, भाई मध्य बिंदु फिर एल हो गई, पूरी दूरी टू एल होती है, ये एक्स, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये दूरी एल और ये एक्स, तो ये दूरी क्या हो गई पाइथागोरस से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी हमें दूरियाँ पता हो चुकी। ठीक है, अब तीव्रता बताते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। सेम वही द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तितांक के है, द्विध्रुव से निरक्षी स्थिति में एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है, बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन क्यू बटे, अब देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, उसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई ऐसा समझो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, है ना भाई, इसका वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, समझ आया सबके। दिशा क्या होगी प्लस से दूर, यानी कि बीपी दिशा में, ये दिशा और ये परिमाण दोनों को ही लिखना है क्योंकि तीव्रता कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद माइनस क्यू टू आवेश के कारण तीव्रता सेम वही वन बटे फोर एप्सिलॉन क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब इसकी दिशा पी से एक दिशा में जाएगी। अब जरा गौर से देखना बच्चों, ई वन और ई टू में से बड़ा कौन, अब तो कोई बड़ा नहीं, दोनों बराबर है भाई, दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों का हर बराबर है, यानी ई वन ई टू दोनों कैसे हैं बराबर, पहले में तो ई वन बड़ा था ई टू से, यहाँ पर मामला बराबर का आ गया। और हमें क्या करना पड़ा, नीति पता ज्ञात करनी, तो हम लोग वेक्टर मेथड में जब हमने बताया था पिछली वीडियो में कि ई वन और ई टू जिनके बीच का कोण थीटा हो, कोण थीटा का मान जीरो भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, तो उनकी परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला वेक्टर मेथड से करते हैं अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा। तो देखिए बच्चों, अब बिंदु पी पर हमें तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ई बराबर ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टरों के बीच, देखिए जैसे मैंने कहा ये ई वन है और ये ई टू है, ठीक है, इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो इनकी परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला ये बनेगा ई अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर टू ई वन ई टू कॉस थीटा। अब तुमने कहा टू थीटा कहाँ से आ गया, तो चित्र में देखते, अगर ये एंगल टू थीटा तो टू थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझना ये जो टू थीटा कैसे हो गया, चलो पीछे बैक समझते हैं, चित्र में आते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, वजह ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है जो भुजा बराबर होती है उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक भुजा ए पी और एक भुजा बी पी दोनों बराबर हैं, ए पी के सामने का कोण ये वाला हो गया, बी पी सामने कोण ये वाला हो, दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर, तो हमने उसको लिख भी दिया है थीटा और थीटा, ठीक है, इसको भी इसको हमने थीटा लिखा, इसको भी थीटा लिखा, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ देखिए भाई ये टू थीटा कैसे हो गया, वो समझना, ये थीटा है तो देखिए यहाँ पर इसको बनाया, ये भी कोण कितना हो गया थीटा हो गया, इन्हें कहते हैं संगत कोण। इसके बाद ये देखो जेड बन गया जेड, जहाँ जेड बन जाता है वहाँ पर एक अंतर कोण कहलाता है, ये थीटा है तो ये भी कोण कितना हो गया थीटा। अब विचार करो ये थीटा तो पूरा कितना हो जाएगा टू थीटा। मैं समझता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा ईवन ई टू के बीच ये टू थीटा कोण कैसे बना, टू थीटा को सबने समझ लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्व करना है, यहाँ पर कॉस टू थीटा समझ में आया तो ईवन स्क्वायर, अब देखिए चूंकि हम ईवन ई टू दोनों बराबर हैं तो ई टू के स्थान पर हमने क्या लिख दिया ईवन लिख दिया, ईवन स्क्वायर प्लस ईवन स्क्वायर टू ईवन ई टू के स्थान ईवन, तो ईवन स्क्वायर हो गया वाला कॉस टू थीटा, ठीक। अब क्या हुआ कि ये क्या हो गया टू ईवन स्क्वायर, अब यहाँ पे कॉमन ले लो भाई, भाई ये कितना हो गया टू ईवन स्क्वायर और ये क्या है टू ईवन स्क्वायर कॉस टू थीटा, टू ईवन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है, टू ईवन स्क्वायर वन प्लस कॉस टू थीटा, एक ध्यान रखिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, यहाँ मान रख दीजिए तो वन से वन ये कट गया तो क्या हुआ टू इंटू टू फोर ईवन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल ले लो तो फोर का टू हो गया, ईवन स्क्वायर ईवन हो गया, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, तो इस प्रकार से परिणामी तीव्रता आ गई ई बराबर टू ईवन कॉस थीटा। ईवन का मान हमें पहले ही पता है, आ जाइए यहाँ पर देखिए
ई1 का मान पता है और दूसरा हमें चाहिए कोस थीटा का मान। कोस थीटा के लिए फिर हमें ट्रायंगल में यूज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कोस थीटा की, ठीक है, ये कोस थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर होता एल बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जिसको मैंने नीचे बताया गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट है, वीडियो समाप्त होने वाला है। तो ये त्रिभुज ओ पी ए में कॉस एल बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ई बराबर टू ई वन का मान रख दिया और कॉस थीटा का मान रख दिया, ठीक है। अब ध्यान रहे, हर वैद्युत द्विध्रुव के डेरिवेशन में टू क्यू एल का आना मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि टू क्यू एल बराबर क्या होता है, पी होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टू भी आ गया, क्यू भी आ गया, एल भी आ गया, तो ये क्या बन गया, टू क्यू एल। नीचे फोर पाई एफल नॉट के हो गया, के लिख लीजिए भाई यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अंडर रूट है, ध्यान दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर एक बटे दो, ठीक है, एक बटे दो इसको लिखेंगे और एक घात इसकी है, तो एक प्लस एक बटे दो क्या हो जाएगी भाई, हमने कहा एक प्लस एक बटे दो, इसको बोलेंगे कितना, तीन बटे दो, ठीक। तो अब आप समझ चुके होंगे ये तीन बटे दो कैसे निकला। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इतना पोर्शन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर तीन बटे दो, अभी एक्सप्लेन किया था। तो अब क्या होगा, चूँकि एल इज़ वेरी वेरी लेस देन एक्स, एल का मान बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन एक्स स्क्वायर। तो देखिए टू क्यू एल के स्थान पर क्या आ गया, पी आ गया, एक्स और एल यहाँ से हट गया, एल हट गया तो बचा केवल एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटे दो, दो फिर दो कट गया तो क्या बचा, एक्स की पावर थ्री। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन हमें प्राप्त हो गया ई बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे एक्स की पावर थ्री। यदि द्विध्रुव निर्वात में रखा है तो निर्वात के लिए आप पहले जानते हैं के का मान कितना हो जाता है, वन, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब आती है इसकी दिशा क्या होगी, देखिए साहब, अब आप अगर दिशा को देखना तो फिर चित्र में समझना होगा, चित्र पहुँचे क्या देखा, दिशा इसकी क्या है, जी वाली दिशा क्या है, इस ये अच कहलाता अच, अच की तो समांतर है और प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर है, ये प्लस क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस क्यू, तो क्या दिशा बताओगे, अच के समांतर प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, वही मैंने लास्ट में लिख दिया है, इसकी दिशा है अच के समांतर प्लस क्यू से माइनस, आगे आएगा नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसी डेरिवेशन को हमने एक अन्य तरीके से समझाया है, ठीक है ना, निरक्षी स्थिति में अन्य तरीका, यानी वो विकल्प मेथड होगा, विकल्प मेथड का मतलब होता है कि निरक्षी स्थिति में तीव्रता ज्ञात करने का हमने दूसरा तरीका बताया है, उस तरीके को भी प्रयोग कर सकते हैं, जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन सबका उत्तर यही आएगा पी बटे एक्स पावर थ्री और दिशा होगी अच के समांतर प्लस क्यू फे माइनस क्यू की ओर। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें दो डेरिवेशन हैं, दोनों ही डेरिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, उसके बाद पार्ट फोर वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।